रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। रायबरेली को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके अलावा 1952 से लेकर आज तक रायबरेली कांग्रेस का संसदीय गढ़ भी रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स रायबरेली में ही मौजूद है। ये ऐतिहासिक शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद नजदीक है। रायबरेली भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय मौजूद है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रायबरेली जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। रायबरेली के उत्तर में लखनऊ और बाराबंकी जिला, पूर्व में सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिला तथा पश्चिम में उन्नाव जिला स्थित है। रायबरेली के लालगंज तहसील में स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री भारत की चौथी सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है। यहाँ पर राजधानी, शताब्दी, दीनदयाल और हमसफर एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियों के कोच इसी मॉडर्न फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लगभग 739 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए रायबरेली शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 191,000 से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से रायबरेली उत्तर प्रदेश का 27वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। रायबरेली जिला कुल 5 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें रायबरेली, लालगंज, डलमऊ, ऊंचाहार, महाराजगंज और सलोन शामिल है। धार्मिक दृष्टिकोण से रायबरेली शहर में 74% हिंदू, 25% मुस्लिम और 1% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। रायबरेली शहर की साक्षरता दर 81.04% है। इससे ये पता चलता है कि शहर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से रायबरेली शहर में कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं जो रायबरेली के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं, जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिरोज गांधी कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इंदिरा गांधी राजकीय महिला विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। रायबरेली की स्थापना सन 1858 में एक जिले के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने रायबरेली के नाम पर इस शहर को अपना मुख्यालय बनाया था। पौराणिक काल के दौरान रायबरेली जिला कौशल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इस क्षेत्र पर भगवान श्री राम का शासन हुआ करता था। उस कालखंड में कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, जो आज भी रायबरेली शहर से बेहद नजदीक है। चूंकि रायबरेली अवध क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी मुख्य रूप से अवधी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का एक रूप है। मध्यकालीन युग के दौरान इस ऐतिहासिक क्षेत्र पर भार राजवंश का शासन हुआ करता था। यही कारण था कि उस समय इस क्षेत्र को भरौली या फिर बरौली के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान समय में ये शहर रायबरेली के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आवागमन के दृष्टिकोण से रायबरेली शहर रेल मार्ग और सड़क मार्ग अर्थात दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, शहर के मनसा देवी मंदिर के पास मौजूद है रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। रायबरेली जंक्शन रायबरेली शहर के मुख्य और व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन वाराणसी लखनऊ लाइन, प्रयागराज लखनऊ लाइन, रायबरेली उन्नाव लाइन और रायबरेली फैजाबाद लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और 9 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। नीलाचल एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, हावड़ा जैसलमेर सुपरफास्ट जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ रायबरेली जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, रायबरेली शहर के शास्त्री नगर इलाके में मौजूद है रायबरेली बस स्टेशन। शहर का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। रायबरेली शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी रायबरेली शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना रायबरेली शहर का भ्रमण अधूरा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन रायबरेली शहर के लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर मौजूद है। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन लगभग 57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस बोटेनिकल गार्डन को 1986 में स्थापित किया गया था।
यह स्थान केवल पेड़ पौधों और बाग बगीचों को देखने के लिए ही नहीं है, बल्कि शोध करने वाले वैज्ञानिकों और पेड़ पौधों के बारे में जानने वाले लोगों के लिए ये एक शैक्षणिक संस्थान है। बॉटनिकल गार्डन के अंदर ग्रीन हाउस के अलावा रॉक गार्डन, रोज गार्डन, मौसमी गार्डन और जलीय गार्डन भी मौजूद है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली जिले के सलोन क्षेत्र में मौजूद है। समसपुर पक्षी अभयारण्य लगभग 780 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस अभयारण्य को 1987 में स्थापित किया गया था। नवंबर से मार्च महीने के बीच यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ 5000 किलोमीटर दूर यूरोप और साइबेरिया से यहाँ पर बड़ी संख्या में विचरण करने के लिए आती हैं। स्थानीय पर्यटक यहाँ पर शांति का अनुभव करने और प्रवासी पक्षियों को देखने आते हैं। महेश विलास पैलेस रायबरेली शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवगढ़ नामक कस्बे में मौजूद है महेश विलास पैलेस। सन 1942 में इस महल का निर्माण महेश प्रताप सिंह के द्वारा बीकानेर के लालगढ़ किले की डिजाइन के आधार पर बनाया गया था। 7 बड़े बड़े खंभों से बना महल का विशाल बरामदा यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा महल की बालकनी से पूरे शिवगढ़ कस्बे को देखा जा सकता है। बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्मों का चित्रांकन भी इस ऐतिहासिक महल में किया गया है, जिनमें महानायक अजय देवगन की धमाकेदार मूवी रेड, जॉली एलएलबी, गुड्डू रंगीला, मैडम चीफ मिनिस्टर जैसी कई अन्य फिल्मों का चित्रांकन भी इस पैलेस में किया गया है। डलमऊ पौराणिक काल में प्राचीन कथा के अनुसार गंगा नदी के किनारे एक टीले पर डालब्य ऋषि का आश्रम हुआ करता था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि डालब्य ऋषि के नाम पर इस स्थान का नाम डलमऊ पड़ा। यहाँ पर घूमने के लिए राजा अलाउद्दीन का किला, महेश मठ, नवाब सुजाउद्दौला का महल, अलाउद्दीन की बैठक, डलमऊ पंप कैनाल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। रायबरेली जिले का डलमऊ क्षेत्र इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा रायबरेली शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें बेटा जल सेतु, लालगंज का भालेश्वर मंदिर, रेवती राम का तालाब आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं।